हाँ दीदी का। तो अभी हम लोग यहाँ से लौट रहे हैं। एक किला और है वो देखो ऊपर, कौन सा किला है वो? सुबह कैसी है जबलपुर की जनता, आज जाने वाले हैं एक बहुत अच्छी जगह है जबलपुर की, वहाँ जाने वाले हैं। अपनी गाड़ी को साफ कर लेते हैं। चलो भैया साफ हो गई अपनी गाड़ी, धूल वूल लगी हुई थी, ऐसे बरसात में तो कीचड़ लगता है, धूल ज्यादा नहीं लगती है। उनको रेनकोट रखना पड़ेगा क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखो रेडी, अभी अभी ताजा ताजा बारिश हुई है जबलपुर में, सड़कें गीली हो गई हैं, तो आराम से चलना पड़ेगा अपन को। टायर थोड़ा अपना पीछे वाला डिस्टर्ब है। मस्त एंजॉय करते हुए चलेंगे, मस्त खाते पीते हुए। शायद मैं वहाँ पर पहली बार ही जा रहा हूँ। जबलपुर की अच्छी अच्छी जगहों को अपन एक्सप्लोर करेंगे अब अपनी एमपी के साथ। गाइस अभी आ चुके अपन संग्राम सागर, ये पार्क है संग्राम सागर का, बाहर ना अंदर लाना सख्त मना है। गाइस हम लोग कहाँ से ले जाएंगे, ताला लगा है। मजा आ गई, दूसरी बार आया। अरे वे बोल रहे हैं, दूसरी बार आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। जोगर्स परिवार आपका स्वागत करता है। जोगर्स मतलब जोगर्स मतलब चलता फिरता। अच्छा वही होगा, वही होगा। जॉगिंग करने वालों को बोला जाता है। हाँ भाई वो देखो बीचों बीच एक किला है यहाँ पर। आज हम लोग उसी किले में जाने की तैयारी में। देखो भाई डरावना किला, ये करने की वहाँ जाते कैसे अपन लोग, वहाँ से पीछे से। आगे से तो रास्ता बंद है, लेकिन आओ चलो अपन चलते हैं, देखते हैं कैसे जाएंगे वहाँ पे। डरावना है भाई। एक किला और है वो देखो ऊपर, कौन सा किला है वो? अच्छा वही तो है, वही है। और एक बात हमेशा, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलो, आगे का रास्ता वही पहुँच कर दिख जाएगा। सही कहा, बिल्कुल। स्वागत है आपको, स्वागत है आपका सम्राट भैया के ब्लॉग में। चांदनी भाई आपको अच्छा मोटिवेट कर देंगे, आप पहाड़ खोद के अपनी पत्नी के लिए रास्ता बना देंगे। सुना है ना, आप माझी की कहानी, आप दशरथ माझी बन जाओगे। चलो भाई अच्छी जगह है यार यहाँ पर। यहाँ से बाजना मठ मंदिर दिख जाता है, बहुत सुंदर लग रहा है यार, लग रहा मस्त। ऐसे मंदिर में जाओगे ना वाले, हाँ फिर वो बड़े वाले जाओगे, फिर उसके नीचे आओगे, हाँ देखेगा ना उसके, वहाँ से जाते 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 वो एक रास्ता देखेगी वहाँ से जाना है। तुम गए हो वहाँ? नहीं गए, नहीं गए तो हो। चलो हम लोग चलते हैं। वाटरफॉल मिला यहाँ पे, देखो वाटरफॉल नाला है, नाला टाइप का, देखो संग्राम सागर का वाटरफॉल। गाइस संग्राम सागर की आप एक खासियत देख सकते हो कि यहाँ के भरे पानी में आप अपना चेहरा भी देख सकते हो। गाइस देखो दिख रहा है चेहरा, भैया आ गए हम लोग अब बाहर। धन्यवाद पुनः पधारे भैया, बिल्कुल पधारेंगे, कोई कहने की बात नहीं है। प्रभात चाट फुल्की सेंटर, भैया मिल जाए कहीं रास्ते में तो जरूर खाओ, हमने तो खाई नहीं लेकिन आपको बता दें खाओ भैया का फायदा हो। हम यहाँ आए और हमें एक मस्त चीज मिली भाई, बाइकर्स को बाइक ही दिखती है, देखो रोनेक्स टीवीएस की बहुत शानदार बाइक है, मैंने पहली बार देखी। इसका मीटर मुझे बहुत अच्छा लगा यार, देखो अलग से मीटर लगा हुआ है बिल्कुल। भाई लोग हम गलत थे कि वो बड़ी नाव ले जाएगी, हम लोग को ये छोटी नाव ले जाएगी, था उसमें पानी भरा हुआ है और आधा अपन अंदर जाएंगे तो भर जाएगा और डूब जाएंगे। मैं बैठूंगा ना तो डूब जाएगी। भैया से पूछा हमने वहाँ कैसे जाएंगे, तो वहाँ जाने के लिए अपन को नाव तो मिल नहीं रही भाई, नाव वाला पता नहीं कहाँ है। उसके लिए अपने पास दो विकल्प है, एक अपन पीछे शारदा चौक से घूम के आ जाए, और ये यहाँ से पगडंडी गई है वहाँ से चले जाए, तो डंडी वाला रास्ता थोड़ा हम लोग को नहीं सेफ नहीं लग रहा क्योंकि अभी बारिश हुई है, तो पैर से चलने का वहाँ पर डर है। हम लोग गाड़ी से वहाँ जाएंगे। भाई मैं आगे चला गया था लेकिन आपको रास्ता बताने के लिए लौट कर वापस आया। है कोई इतना स्ट्रगल करने वाला ब्लॉगर है कोई अनन्या पांडे? ये हमारा बैलेंसिंग रॉक है, जहाँ से जाते हैं तो अपन रानी दुर्गावती की किला मदन में पहुँच जाते हैं। ताने बाबा पूछना है किसी से तो आगे चल के अपन को पूछते हैं। इस टाइम हो गया 6, तो जल्दी चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो गाइस उबड़ खाबड़ रास्तों में से अपन जा रहे हैं, तालाब कितना भरा हुआ है कितना नहीं भरा हुआ वहाँ जाकर पता चलेगा। देखो कितनी खूबसूरत नर्सरी, वाओ ब्यूटीफुल। अपनी एमपी होती ना भाई मजा आ जाती है। हम लोग मात्र यहाँ से 700 मीटर बचा होगा, ओए फिर गड़ गए। देखो यहाँ ना हालत थोड़ी बेकार है, बरसात के टाइम पे हो जाती है, बहुत ज्यादा खराब है, खराब हो गई हालत। ओला दिखाते गाइस आपको, ये देखो सामने मिट्टी देखो कैसी लगी हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ से लौट रहे हैं क्योंकि आगे का रास्ता और हार्ड है, तो हम लोग आएंगे जब यहाँ सूख जाएगा, कम से कम 4-5 दिन बारिश ना हो तब आएंगे, तब मजा आ जाएगी। यहाँ जैसे आप देख सकते हो कैसा खचा है पूरा, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ गाड़ी को निकालते हुए, बहुत ज्यादा वो है, हम लोग बहुत ज्यादा पार कर गए। पर क्या शाम भी हो गई है बहुत ज्यादा, 6:00 हो गया है लगभग 12 मिनट, सिनेमैटिक्स भी नहीं आ पाएगा, 12 हो ही गया है, अभी 10-15 मिनट बाद पूरा दिन ढल जाएगा, तो जाना सेफ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। गाइस थोड़ा सा डरी है, तो अब हम और शिवम
डिसीजन लिया कि हम लोग लौट जाते हैं। जिस दिन यहाँ खुला रहेगा मौसम उस दिन आपको यहाँ का पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। जब तक स्टे ट्यून। हाँ से बात चप्पल तुम क्रॉक्स ले लो तुम हमको क्रॉक्स वाली वीडियो तुम्हें भेज रहे हैं ना समझ में। क्रॉक्स इम्पोर्टेंट तो काटा का लगी है गजब को। हाँ बैठे गाइस शांतनु पांडे अब गाड़ी में बैठने जा रहा है। चलो गाइस हमारी गाड़ी पूरी भिड़ा गई है पैर ऊपर कोई बात नहीं बस बस शिवम छोड़ दो छोड़ गाइस शिवम जा रहा है। कहाँ से आए हैं बस इजीली निकल जाएगी गाइस। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना हमारे शिवम सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं गाइस। हम लोगों को ये सब करने में मजा नहीं आ रहा है बट सिर्फ आप लोग देख पाओ इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो गाइस कम से कम आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो लाइक कर दो। ये वाला जो पार्ट होता है ना जब गाड़ी का हिस्सा नीचे लगता है धड़कन बाहर आ जाता है बहुत बुरा लगता है बहुत बुरा लगता है। कहाँ होगा हाय दोस्त हाय एक बात बताओ हमें उसे जाना है किला तो कब आए सुबह सुबह तो तुम लोग आ चल है तो मैं हम पैसा दें 20 रुपये 50 तुम देते ठीक है कब आए 12 बजे तुम कहाँ बहुत करें हाँ जैसे ही मतलब तुम ऐसे कहूँ मिल जाए हो ना जैसे हमारे कल 12 बजे भी नहीं आ पाए थोड़ी लेट आया शाम या दूसरे दिन आए तो तुम मिल गए हो ना ठीक है। तो कहाँ चलेंगे अपन सीधा पैदल की गाड़ी से गाड़ी नहीं जाती नहीं जाती तो गाड़ी तुम्हारे घर पे खड़ी कर दी हमारा घर कहाँ खड़ी हाँ तुम बता देना जहाँ खड़ी करना हो खड़ी कर दी फिर अपन चलेंगे ठीक है बस। शुभम नाम है हमारा तुम्हारा नाम कहाँ है सनी सनी कहाँ के आओ मिलते हैं बाय ब्रो बाय बाय। गाइस अभी हम लोग आ गए नल के पास और चप्पल वगैरह धुल रहे हैं ठंडी हो गई है। चलो नानू भाई धुल लो अब ब्लॉग बंद कर दो। गाइस देखो जो ओला गई खुल गया है बंद हो गया है साफ हो गई है गाड़ी साफ हो गई बाबा। हाँ दीदी का हाँ दीदी का क्या कर रहे हैं तो टाइम नहीं क्या कर रहे YouTube में डालोगे क्या वीडियो? बहुत परेशान हो गए अभी अपन लोग ओला को वॉश कराने के लिए आए हैं। बहुत ज्यादा गंदी हो गई और आवाज भी कर रही है बहुत अजीब ये फ्रंट ब्रेक वो आवाज कर रहा है मुझे लगता है देखो कितनी ज्यादा गंदी होगी ये देखो देख रहे हो कितना कीचड़ लगा हुआ है। गाइस अभी छोटा सा टाइम पास लिया मंच लो नानू भाई मंच खाओ क्रंच मचाओ धुलने लगी गाइस अपनी ओला होम वॉश होने लगी अपनी गाड़ी। गाइस अपनी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है देखो मस्त लगने लगी चमकने लगी ओला। चलो निकलते हैं अपन लोग। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। जबलपुर की ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करो अपने दोस्तों में। टाटा।